उप मुख्यमंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने रतनपुर सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर डायरिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य में सुधार की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री डायरिया पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की जानकारी ली। रतनपुर में 31 मरीज डायरिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। 24 घंटे उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पताल के डॉक्टरों को एक एक मरीज का अच्छे से इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर इलाज में कोई कसर नहीं रखने कहा है। साव ने बताया कि मरीजों की सेहत और डायरिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जा रही है। जरा सा भी लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आज केंद्र रतनपुर आना हुआ है। क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप हुआ है। प्रशासन की तैयारी, व्यवस्था, इन सब का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में डायरिया के 31 पेशेंट अभी भर्ती हैं। क्षेत्र के आसपास के गांवों में डायरिया का प्रकोप हुआ था, रतनपुर शहर में भी हुआ था। स्थिति अब बहुत हद तक नियंत्रण में है। प्रशासन की टीम घर घर जाकर सर्वे भी कर रही है और मरीजों को चिन्हित कर हॉस्पिटल लाकर उनके इलाज किए जा रहे हैं। बचाव के जो उपाय हैं, पानी की जांच करना, साफ सफाई, इसकी चिंता करना, ये सब हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डायरिया का प्रकोप रुकेगा। देखिए, हमारी तैयारी बहुत पहले से थी, हमने पूरा तैयारी किया है, हर प्रकार के उपाय हमने किए हैं, फिर भी डायरिया का प्रकोप हुआ है तो प्रशासन गंभीरता से, पूरी सजगता से प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब मिलकर काम कर रहे हैं। मरीजों का इलाज भी अच्छे से हो रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।